मुरादाबाद के मझोला इलाके में एग्रीकल्चर संस्थान को चलाने डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता की किसानों को प्राकृतिक खाद देने के लिए एक नई मशीन का इन्वेंशन किया गया है, जिसमें किसानों को जीरो इन्वेस्टमेंट पर अपने घर के अंदर ही गाय के गोबर, गौमूत्र और बेसन से यूरिया खाद तैयार कर पाएंगे। डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता के अनुसार 50 एकड़ के खेत के लिए मात्र 1,03,000 रुपए में ये मशीन तैयार हो जाएगी। जी, ये एक ऐसा प्राकृतिक खेती के लिए स्वचालित प्लांट बनाया है, क्योंकि किसान आम किसान की लागत बहुत बढ़ रही है और सरकार का भी ये इस तरफ ध्यान हैगा कि लोग प्राकृतिक खेती की तरफ आएं। अब प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको किसान अपना सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको मेहनत और ऐसा लगता है कि ऐसे करेंगे तो मुश्किल सा लगता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये स्वचालित प्लांट की स्थापना की है। इसके अंदर ये जितने भी हमारे प्राकृतिक खेती के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो जीवामृत हो, अमृत पानी हो, दसपर्णी अर्क हो, इस तरीके से मोरिंगा बूस्टर हो, एग बूस्टर हो, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, पंचगव्य खाद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट डिकम्पोजर तक इससे तैयार हो जाता है। तो ये जो प्राकृतिक खेती के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी ये चीज़ें जो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, वो सब इससे ही हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है का दो टैंक लगे हुए हैं, अलग अलग अगर हम दो चीज़ें अलग अलग बनाना चाहें तो एक समय में हम दो चीज़ें अलग अलग बना सकते हैं। एक टैंक भी कोई स्थापित कर सकता है, हम लोगों ने दो टैंक स्थापित कर रखे हैं और 1,000 लीटर के ये दो टैंक हैं और इसके अंदर जो है वो मोटर लगी हुई है और ऑक्सीजन के लिए इंजेक्टर लगे। तो ये क्या होता है कि अपने आप से मोटर चलती है, ऑटो कट लगा रखा है हमने इसके अंदर, तो 3 मिनट ये हर 3 घंटे के बाद में मोटर अपने आप चल पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो हर 1 घंटे के बाद में 1 मिनट के लिए इसके अंदर चलती है। तो जिससे कि बैक्टीरिया की मात्रा खूब ज़्यादा इसके अंदर हो जाती है और जब कोई भी किसान भाई इसको खेत में इस्तेमाल करता है या शहर के लोग जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्राकृतिक रूप से खाद और कीटनाशक तैयार हो जाता है। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता का नया आविष्कार कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन लाता है।